यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की है, जो न केवल हमें प्रेरणा देती है बल्कि हमें जीवन के सत्य की ओर भी ले जाती है। एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे। चलते चलते वह एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक व्यक्ति ने उन्हें अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने शिष्यों के साथ उस व्यक्ति के घर भोजन किया और फिर आराम किया। खाना खाने के बाद उस व्यक्ति ने बुद्ध से एक सवाल किया। उसने पूछा, हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा जीवन हमेशा चिंता और भय से घिरा रहता है, कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। बुद्ध ने व्यक्ति की बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा दुःख क्यों है? व्यक्ति ने तुरंत हां में सिर हिला दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो चलो सबसे पहले तुम मुझे एक कटोरी लाकर दो, लेकिन ध्यान रहे वह कटोरी खाली होनी चाहिए। व्यक्ति ने कटोरी लाकर बुद्ध को दी। बुद्ध ने कटोरी को अपने हाथ में लिया और बोले, जैसे यह कटोरी खाली है वैसे ही तुम्हारे मन को भी खाली होना चाहिए। जब तक तुम अपने मन में पुराने दुखों और चिंताओं को भरे रखोगे, नए सुख और शांति के लिए स्थान नहीं बनेगा। व्यक्ति बुद्ध की बातों को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, लेकिन मेरे मन में इतने सारे विचार हैं, मैं उन्हें कैसे खाली कर सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान और संयम के माध्यम से तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो। जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होता जाएगा, तुम देखोगे कि तुम्हारे दुःख धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। व्यक्ति ने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और बुद्ध का धन्यवाद किया। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और सुख आ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारे मन के भीतर के विचार और चिंता हैं। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान और संयम ही वह मार्ग है जो हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है।